हेलो वेलकम टू चैट विद आई एम आकृति और और हमारे साथ एक है इनका नाम है साहिल राणा ये प्रेम नगर देहरादून से है शॉर्टपुट अंडर एज 16 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सबसे पहले ये बताओ तुमने गोल्ड मेडल जीता है कैसा लग रहा है आपको फील तो काफी अच्छा हुआ पहले लगा नहीं था कि मिल पाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी अच्छा था पर अच्छा। पहले भी एक बार आया था तो उस टाइम नहीं जीत पाया तो इस बार सोच के आया था कि एक बार जीतना जीतना है मतलब सोच आए थे और आपने जीत लिया तो घर जाके सबसे पहले किसको बताओगे कि आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है सबसे पहले आ, मदर अपनी फिर पापा भी हैं सबसे पहले मेडल दिखाना है कि सही में जीता है कुछ अच्छा <laughs> और फिर तो बस विश्वास नहीं हो रहा जीत गए सच से बताओ स्कूल में शो ऑफ होगा कि नहीं होगा कि भाई गोल्ड मेडल जीता है काफी ज्यादा <laughs> <laughs> Obviously. मतलब तो, तो मेन होता ही है स्कूल लाइफ में अगर आप जीत गए तो आप दिखाते ही हो कि हाँ। हमने कुछ कर दिया बार. और obviously जब आप गोल्ड मेडल जीते हो तो स्कूल में इम्पोर्टेंस भी मिलेगी हाँ बिल्कुल मिलेगी सबसे मिलेगी रिकॉग्निशन मिलता है कि इसने कुछ करा है करा स्कूल के लिए एग्जैक्टली exactly. और शॉर्ट पुट के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं तो प्रिपरेशन वगैरह में कितना ज्यादा टाइम आपको लगा स्टार्ट uh, वैसे मतलब हमारे स्कूल में जब एक बार कंपटीशन हुआ था स्पोर्ट्स डे तब एक बार करा था तो हॉबी की तरह अच्छा लगा मुझे फिर धीरे धीरे मैंने मतलब खेला प्रैक्टिस करी सर ने कहा कि पार्टिसिपेट कर ले तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इवेंट में पार्टिसिपेट करा फिर हो गया ज़्यादा you जाओ हाँ बिल्कुल जाओगे आगे प्रैक्टिस करके कहीं भी जा सकते हैं क्या बात है मेहनत चाहिए बस तो फ्रेंड्स वगैरह को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या होता है स्पोर्ट और कैसे तैयारी करते हैं ऐसे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है या उनको समझ में आ चुका है अभी तक मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं था पहले exactly. के बारे में तो मैंने पहले बताया कि ये ये होता है ये करना पड़ता है एक स्पोर्ट ऐसा भी है कुछ बस इंकरेजमेंट कितना मिलता है घर वालों से सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स वगैरह से अब जैसे मेडल आ रहे हैं तो भी मिलता है सपोर्ट भी मिलता है कि हो रहा है कुछ आ रहे हो लेकिन अगर नहीं मिले तभी भी रहता है कि हाँ मेहनत कर रही पूरी तो अभी सेलिब्रेशन कैसे होने वाला है घर जाके पार्टी होगी सबसे पहले <laughs> पार्टी में क्या क्या खाया जाएगा वो सारी चीजें भी खाई जाएंगी जो प्रिपरेशन के दौरान नहीं खा रहे थे हाँ बिल्कुल पूरा बेंच ईटिंग होगी हमारी सो दिस इज चैट विद चैंपियंस और बिग शाउट आउट फॉर ऑल द चैंपियंस तो ये तो घर जाके पार्टी करेंगे और अगर आप भी कुछ जीते हैं तो यार पार्टी करो <laughs>